Hello student, I hope you are fine. In previous video, we discussed about first introduction and second is what is factorization. Now today, we will start our next topic, that is factorization by common factors. So, आज हम आपको factorization का पहला process बताएंगे. So, चलिए हम देखते हैं example. So, example is फैक्टराइज दी फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. तो हमें एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 8y-12. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर देखते हैं दोनों में. तो दोनों में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 8 और 12 का हो गया 4. ठीक है, क्योंकि दोनों 4 से डिवाइड होगा और वेरिएबल में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है. सो हम क्या लिखेंगे, 8y-12 इक्वल टू, सो 4 कॉमन ले लिए हम, तो ब्रैकेट यहाँ भी यूज करेंगे. अब देखिए अगर 8y में से अगर हम 4 को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, तो 4 में क्या मल्टीप्लाई कर देखिए हट जाए 2. ठीक है, और y बच गया क्योंकि y तो हमने कॉमन लिया नहीं है. माइनस 12 में से अगर हम 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो 4 में क्या मल्टीप्लाई कर देखिए 12 आ जाए 3. या तो आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, 12 डिवाइड बाई 4 तब भी 3 आ जाएगा. सो ये हो गया. देखिए आप रीचेक भी कर सकते हैं, अगर 4 को फिर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस से पूरा एक्सप्रेशन मिल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14x-28y. तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू, सो 14 और 28 दोनों किसके टेबल में आते हैं, सो हाईएस्ट नंबर हो गया 14. ठीक है, अब हम 14 को कॉमन लेंगे. अब वेरिएबल में देखिए एक है एक्स दूसरा है वाई, तो कॉमन तो आएगा नहीं, तो हम 14 कॉमन लेंगे. सो 14 कॉमन ले लिए. अब देखिए फर्स्ट टर्म में बचा क्या, 14 तो कॉमन आ गया, बचा x माइनस. अब अगर हम 28 में से 14 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2, क्योंकि 14 2 जो होता है 28 और y. ठीक है, आप वापस से मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं. सी पार्ट देखिए 12a² b + 15ab² सो 12 और 15 दोनों ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में आते हैं 3. ठीक है, अब देखिए वेरिएबल इसमें है ए स्क्वायर इसमें है a, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 1a कॉमन ले सकते हैं. ठीक है, इसमें देखिए b है, नेक्स्ट वाले में b स्क्वायर है, तो क्या कॉमन हम लेंगे b, क्योंकि दोनों हमको b दे सकते हैं. सो चलिए जो हमारा कॉमन फैक्टर आ गया वो है 3ab, सब कॉमन ले लिए. सो 3ab अगर हम इसमें से कॉमन लेंगे तो 3 में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 12 आ जाए 4. ठीक है, ए स्क्वायर में से ए कॉमन ले लिए तो बचा a, और b तो कॉमन हम ले ही चुके हैं, तो प्लस 15 लाना है. सो 3 में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 15 आ जाए 5, क्या 5 बच जाएगा, a हम कॉमन ले ही चुके हैं, b स्क्वायर में से b कॉमन लिए हैं तो b. ठीक है, सो देखिए वापस से मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट मिल जाएगा. नेक्स्ट देखिए -xy-ay. तो देखिए x और a है, तो x में तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो देखिए y कॉमन आ रहा है. आप चाहे यहाँ पे तो माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, देखिए दोनों में नेगेटिव है, तो हम ऐसा करते हैं नेगेटिव y कॉमन ले लेते हैं. तो नेगेटिव y कॉमन ले लिए, पहले में बचा x, y कॉमन आ गया. दूसरे में देखिए अब नेगेटिव कॉमन ले लिए हैं, तो नेगेटिव जब हम कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ बचा a. ठीक है, क्योंकि ए वाई में से हमने वाई कॉमन ले लिया. ई पार्ट देखिए ax³ - bx² + cx. तो देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, नंबर तो है नहीं, तो वेरिएबल में एक में a है दूसरे में b है तीसरे में c है, तो कॉमन तो आएगा नहीं. फिर देखिए x³ है x² है x है, तो देखिए हम तीनों में से एक x तो कॉमन ले सकते हैं, सो 1x कॉमन ले लिए, यहाँ पे बच्चा a, x³ में से x कॉमन ले लिए तो बच्चा x² माइनस बी एक्स, क्योंकि x² में से हमने x कॉमन ले लिया, प्लस सी क्योंकि सी एक्स में से x कॉमन ले लिया. ठीक है, ये फैक्टराइज हो गई. नेक्स्ट पार्ट देखिए 3pqr - 6p² q² r² - 15r² इक्वल टू, सो 3, 6, 15 तीनों किसके टेबल में आएंगे हाईएस्ट नंबर 3. ठीक है, अब वेरिएबल देखिए यहाँ p है, नेक्स्ट वाले में p² है, इसमें p नहीं है, सो हम कॉमन नहीं ले सकते हैं p. फिर है q² नेक्स्ट वाले में q तो है नहीं, तो नहीं कॉमन ले सकते. फिर है r, r² तो देखिए हम सिर्फ 1 और कॉमन ले सकते हैं,
सो आर कॉमन ले लिए, अब देखते हैं बच्चा क्या क्या है। थ्री कॉमन आ गया उसमें से, बच्चा पी क्यू ठीक है माइनस, अब थ्री में क्या मल्टीप्लाई कर दे, सिक्स आ जाए टू, सो थ्री टू जा सिक्स हो जाता, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर में से वन आर कॉमन ले लिए तो बच्चा आर, माइनस थ्री फाइव जा फिफ्टीन होता है तो यहाँ हो गया फाइव और आर कॉमन ले लिए तो बच्चा आर, ठीक है ये हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स वाई रेस टू द पावर फोर प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, तो नंबर है नहीं, एक्स क्यूब है, फिर है एक्स स्क्वायर, फिर है एक्स, फिर है एक्स, तो वन एक्स हम कॉमन ले सकते हैं। नेक्स्ट है वाई स्क्वायर वाई क्यूब वाई रेस टू द पावर फोर और वाई, तो हम सिर्फ एक ही वाई कॉमन ले सकते हैं क्योंकि लास्ट वाले में सिर्फ वन वाई है, सो कॉमन ले लिया एक्स वाई, सो बच्चा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई क्योंकि वन वन ले लिए कॉमन, प्लस फिर वन कॉमन ले लिए दोनों में से एक्स और वाई स्क्वायर माइनस वाई रेस टू द पावर थ्री प्लस, अब देखिए पूरा एक्स वाई हम कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच्चा वन, इसके प्लेस पे हम वन लिखेंगे जब पूरा कॉमन आ जाता है। नेक्स्ट देखिए फोर एक्स वाई स्क्वायर माइनस टेन एक्स स्क्वायर वाई प्लस सिक्सटीन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, अब देखिए नंबर है फोर टेन सिक्सटीन टू, सो चारों किसके टेबल में आएंगे, टू के टेबल में। अब वेरिएबल देखिए यहाँ पे वन टाइम्स एक्स है, यहाँ टू, यहाँ भी टू टाइम्स एक्स है, यहाँ वन टाइम्स, सो हम एक एक्स कॉमन ले सकते हैं। नेक्स्ट में है वाई स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर वाई, तो सिर्फ वन वाई ही कॉमन ले सकते हैं, सो बच्चा यहाँ पे क्या टू में क्या मल्टीप्लाई कर दे फोर आ जाए, तो टू एक्स कॉमन ले चुके हैं, एक वाई कॉमन ले चुके हैं बच्चा वाई, माइनस टू में क्या मल्टीप्लाई कर दे कि टेन आ जाए फाइव, तो एक एक्स कॉमन ले लिया बच्चा वन एक्स और वाई तो हम ले चुके हैं कॉमन, ठीक है। प्लस टू में क्या मल्टीप्लाई कर दे कि सिक्सटीन आ जाए एट, एक एक्स कॉमन ले लिए तो बच्चा एक एक्स और वाई कॉमन ले लिए तो बच्चा वाई, प्लस अब देखिए टू एक्स वाई पूरा पूरा हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे तो बच्चा वन, ठीक है। ये था कॉमन फैक्टर से फैक्टराइज करना, सबसे पहला स्टेप यही होता है। नाउ वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, सो हियर गिवन टू क्वेश्चन, दिस इज योर टूडेज क्लास वर्क इन विच वन इज फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एंड सेकेंड इज फ्रॉम एग्जाम्पलर बुक। अब देखिए जो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 88 है, इसमें से कुछ क्वेश्चन हमने आपको एग्जाम्पलर में एक्सप्लेन कर दिया है और कुछ पार्ट ही हमने यहाँ पे दिया है, ठीक है। सो आफ्टर सॉल्विंग दीज क्वेश्चन check your answers which are given here. Thank you for watching and see you in the next video.